रोहन सर जो है इसे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे जो जनता पार्टी नेशनल बिहार कांग्रेस बिहार पी डी पी बिहार नेशनल बिहार एम सी बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ लोगों को कि आप देख लिया हमने किस तरह वहाँ पर जीत हासिल किया है और बाहर भी, और इंशाल्लाह जो आने वाला पार्लियामेंट है इस पर भी हम अच्छी तरीके से जीत हासिल करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में। और अगर हमने 303 सीट इससे पहले ली, आज मुझे लगता है कि हम उससे ज़्यादा आगे जाएंगे और लोगों को भरोसा है मोदी जी पे और जो हमने काम किए लोगों के लिए, और इसी का नतीजा आज वो सामने आ गया। अगर राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत थी या PDP की हुकूमत या इनकी हुकूमत थी तो ये बाकी पार्टियों की हुकूमत थी तो उनको देखना था, तो उन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया और लोगों ने इनको नकारा। आज अगर देखा जाए हम खुश हैं आज जम्मू कश्मीर के लोग, और आज कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से मैं ये आवाज़ देना चाहता हूँ कि जब तक मोदी जी है तब तक मुमकिन, ये सही बात है। जब तक ये लोगों ने कहा जब तक मोदी है तब तक सब कुछ मुमकिन है। और ये आप कहना चाहते हैं हम इनके राज में हम दबे हुए थे, इनके राज में हम मुसीबत की ज़िंदगी जी रहे थे, जो NC वाले और PDP वाले इन्होंने हमको जीना हराम कर दिया था, और अल्लाह ताला ने ऐसी पार्टी इन पर नाजिल की और आज इनको पता चलेगा कि सियासत किस चीज़ को कहा जाता है। और BJP जो वाहिद एक पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, ये सिर्फ PDP और नेशनल वाले आपस में लड़ाई करवाते थे और कांग्रेस वाले, आज कहाँ पर गए वो NC और PDP, आज इन्होंने गठजोड़ किया। किस लिहाज से इन्होंने गठजोड़ किया, अगर देखा जाए मोदी इंशाल्लाह 2024 जो इलेक्शन है उसमें भी हम जीत करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, और ये मेरा वादा है आपसे। और यहाँ पर भी हम मेहनत करेंगे, घर घर जाएंगे, जब तक नसीर लोन की जान है तब तक नसीर लोन डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा को आगे ले जाएगा, और घरों में जाएंगे लोगों को हम मतलब उसको कहते हैं कि भीख मांगेंगे वोट के लिए, और वोट लोगों से लेंगे और अच्छी तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की बात अगर करेंगे, देख मैंने इससे भी पहले कहा कि मेहनत करनी है। अभी यहाँ पर जो पार्लियामेंट सीट है वो बारामूला और कुपवारा और बांडीपोरा के एक होती है, और उसके अगर असम्बली की मैं तीन करूँ गुरेज बांडीपोरा और सोनावारी, मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए हमको मेहनत करनी है। गुरेज सीट तो हमने जीत ली है, ये मैं आपको यहीं से कहता हूँ, और इसके बाद जो बांडीपोरा और सोनावारी है मेहनत करनी है। मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि हम जीतेंगे, भाई साहब हमको मेहनत करनी है, लोगों के पास जाना है, लोगों को जो मोदी जी ने स्कीमें जो दी है वो लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को अवेयर करना है किस तरीके से मोदी जी ने 9 साल में इतनी स्कीम दिया है, और अगर 60 साल इन्होंने हुकूमत की, 60 साल में इन्होंने क्या दिया, सिर्फ स्टोन पेल्डिंग, सिर्फ इन्होंने यहाँ पर लोगों को मारा, हमारे वायु को मारा, मरगुजार जो वो भर के आए हैं। अगर देखा जाए मोदी जी ने जब से हमने 2014 से हमने हुकूमत जो जब BJP आई, मुझे एक स्टोन पेल्डिंग एक बच्चे का जाना बता दीजिए लाल चौक में। और अगर देखा जाए कि शिया कम्युनिटी का अगर देखा जाए तहरीकी जलसा जो इनका था लाल चौक में वो नहीं निकलता था, 8वां जो मुहर्रम इनको होता था वो भी इन्होंने बंद किया था, ये सिर्फ बोलते थे थ्रेट 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 वहां पर मारेंगे, शिया और सुन्नी को लड़ाई करके देते हैं, मगर आज मोदी जी ने उसको उस रास्ते को भी खोला। और ये चीज़ हम पैगाम देना चाहते हैं उनसे कि अब ये जो इनका बिस्तर है वो बांधे और यहाँ से चल बसे, ताकि इनकी जो दोगली पॉलिसी सियासत NC वालों की और PDP और कांग्रेस और नेशनल और अपनी पार्टी इनकी दोगली पॉलिसी थी। मैं उनको कहना चाहता हूं कि लोगों को लोग अवेयर रहे, जो अपनी पार्टी है वो भी हमारी पार्टी है, जो PC है वो भी हमारी पार्टी है, जो नवाज़ा साहब है वो भी हमारी पार्टी है। ये लोगों को धोखा दे रहे और गुमराह कर रहे हैं, लास्ट शाम जो पहुंचते हैं हमारे पास होते हैं। मैं ये आपकी माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोगों को अवेयर रहे, इनके जासिब ना आए। जब आप इनके साथ मिलते हो डायरेक्ट आप BJP के साथ मिलो, ये हमारे जिसको बोलते हैं कज़न, हमारे कज़न सिस्टर्स भी है, कज़न भी है हमारे साथ है ये। बाकी वसलम।